हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ए पिंच ऑफ स्नफ का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें पहले पार्ट में जैसा कि मैंने 10 क्वेश्चन को लिया था, तो इसमें 10 से आगे यानी 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट और 11th क्वेश्चन, आज का पहला और 11th क्वेश्चन ऐसे इस सीरीज का है। What was the relation between the narrator and नानू काका? नरेटर और नानू काका के बीच कौन सा संबंध था? तो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, मैटरनल अंकल का। तो मैटरनल अंकल यानी कि माता पक्ष के जो होते हैं उसको मैटरनल और पिता पक्ष वाले को पैटरनल कहा जाता है। तो ये चूँकि जैसा कि यदि आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये नरेटर के माता का भाई था, नानू काका उनके भाई थे, भाई होने के कारण ये माँ पक्ष के थे, तो माँ पक्ष के थे यानी मैटरनल अंकल यानी उसके मामा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सोहनलाल रतिराम? सोहनलाल रतिराम कौन था? ऑप्शन नंबर ए है द मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है द पार्टी बॉस, ऑप्शन नंबर सी है द एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर डी है ए सेक्रेटरी। तो इसका सही जवाब है द पार्टी बॉस एट दिल्ली। दिल्ली में जो पार्टी बॉस था उसी का नाम सोहनलाल रतिराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर वाज डैश ऑफ नानू काका। नरेटर नानू काका के डैश थे, क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है अंकल, ऑप्शन नंबर बी ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी कजन और ऑप्शन नंबर डी नेफ्यू। तो इसका सही जवाब होगा नेफ्यू। वैसे तो वो अगर हमारे हिसाब से मतलब भारतीय हिसाब से देखा जाए तो वो उनके भांजा थे, जिसे नेफ्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है 14th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। वह कौन सा दूसरा व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलने के लिए योजना बनाए थे? ऑप्शन नंबर एक है द मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है द वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है द एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर डी है द पार्टी बॉस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द वेलफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका गिव ए न्यू रोल ऑफ डैश टू द नरेटर। नानू काका ने नरेटर यानी कि अपने भांजे को एक नया रोल दिया था, वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट का, ऑप्शन नंबर बी कुक का, ऑप्शन नंबर सी ड्राइवर का, ऑप्शन नंबर डी पंडित का। इसका सही जवाब होगा ड्राइवर, वो अब उसको एक ड्राइवर बना के अपने साथ लेके जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। सिक्का ऑटो डीलर्स को नानू काका कैसे इम्प्रेस करते हैं? बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति प्रदर्शन करके, बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का प्रदर्शन करके, बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ विजडम यानी बुद्धि का प्रदर्शन करके, या फिर बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी धन का प्रदर्शन करके। तो इसका सही जवाब होगा बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ। जैसा कि आपको पता होगा कि वो कुछ चेक अपने कोट के पॉकेट में डाल के और भूलने का एक नाटक किए थे, जिसके कारण ये सफलता उसको हुई और सिक्का ऑटो डीलर जो उससे इम्प्रेस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन डैश नानू काका टर्न्स टू हिज मदर टंग। ऑथर के अनुसार डैश परिस्थिति में नानू काका अपने मातृभाषा में चले आते हैं यानी मातृभाषा का प्रयोग करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिकल इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर सी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी और ऑप्शन नंबर डी नेशनल इमरजेंसी। तो इसका सही जवाब होगा लिंग्विस्टिक इमरजेंसी यानी भाषाई आपातकाल में जो है वो अक्सर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने लगते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है, हु मेड द अनाउंसमेंट दैट नानू काका वाज नानू काका इज कमिंग। कौन इस अनाउंसमेंट को अनाउंसमेंट किया था कि नानू काका आ रहे हैं? नानू काका स्वयं ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर द नरेटर यानी कि जो नरेटर यानी कहानी के जो लेखक हैं, और सी ब्रदर और डी है मदर। तो इसका सही जवाब है मदर। जैसा कि यदि आपने कहानी पढ़ा होगा तो कहानी का स्टार्ट ही वही से होता है कि मदर्स अनाउंसमेंट से ही स्टार्ट होता है कि नानू काका इज कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ नानू काका। नानू काका का मदर टंग क्या था? तो ए मराठी, बी राजस्थानी, सी गुजराती और डी मारवाड़ी। तो इसका सही जवाब होगा
मराठी, तो नानू काका का मदर टंग मराठी था। 20th क्वेश्चन है, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम डैश, नानू काका दिल्ली कुछ डैश से मिलने आ रहे थे, किससे? लीडर से, सिस्टर से, मिनिस्टर से, नरेटर से। तो इसका सही जवाब है मिनिस्टर, यानी कि मंत्री से मिलने के लिए नानू काका दिल्ली आ रहे थे। इस तरह से ये आज का वीडियो एक तरह से अब स्टॉप होता है, यानी यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन इस सीरीज़ का अगला, यानी कि इसका जो अगला भाग है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड में ज़रूर आएगा, और वेट कीजिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है और आपके साथ साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चों के लिए भी उपयोगी है, तो इसको शेयर करें ताकि मैं और भी इसका नेक्स्ट सीरीज डाल सकूं और नेक्स्ट पार्ट बनाता जा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।